अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्यू सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS609 के ग्रैंड क्विज को। इससे पहले भी मैंने काफ़ी ग्रैंड क्विजेज के सोल्व क्विजेज शेयर किए हैं, तो जो भी पेपर ग्रैंड क्विज के अटेम्प्ट हो रहे हैं और हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है, मैं उसके वीडियोस बना के अपलोड कर देता हूं। और इसमें ये होता है कि मैं उसके राइट आंसर्स को फाइंड करता हूं और 100% करेक्ट सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी इससे पहले भी मैंने जो अपलोड किए हैं CS302 के किया है, MGT211 का किया है, विद रेफरेंसेज ऐड किए होते हैं, तो और भी नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐड करते रहेंगे। तो व्यू सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियो जो लेटेस्ट वीडियो हो वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसको भी ज्वाइन कर लें, इसमें अपनी प्रॉब्लम्स को पोस्ट करें ताकि हम आपको राइट सॉल्यूशन राइट टाइम पे प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, मूव करते हैं अपने क्विज़ की तरफ। यहाँ पर हम CS609 के क्विज़ को अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, पैरेलल कम्युनिकेशन इज़ नॉट इकोनॉमिकली फेसिबल फॉर। इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है, लार्ज डिस्टेंस। इसका मैंने रेफरेंस ऐड किया है, मैं हर क्वेश्चन का रेफरेंस ऐड कर देता हूं ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो जाए और वो इजीली फाइंड आउट कर सके कि ये क्वेश्चन कहां से आया है और वो इंश्योर हो जाएं कि ये मैंने जो इनको आंसर बताया ये राइट आंसर बताया। ठीक है, इसलिए मैं रेफरेंस ऐड करता हूँ, ये मेरी नेचर है और इसी वजह से मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा समझा जाने लगा है। आप लोग माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको पेज नंबर 82 पे ही मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली इकोनॉमिकली फेसिबल फॉर स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था वो क्या था, कम्युनिकेशन इज नॉट इकोनॉमिकली फेसिबल फॉर। ये हमारे पास जो है नॉट, यहाँ पे उन्होंने पूछा किसके लिए नहीं होता, तो हमारे पास लार्ज डिस्टेंस के लिए ये नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मैनी इंटरप्ट्स कैन बी एड्रेस्ड वाया इंटरप्ट वेक्टर टेबल। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर है हमारे पास बी ऑप्शन है, 256। इसका भी मैंने रेफरेंस ऐड कर दिया, पेज नंबर 10 पे जाके आप इसको रीड कर सकते हैं, इंटरप्ट वेक्टर टेबल। ठीक है, इसमें आप ये देख सकते हैं 256 फॉर एड्रेस, इसका जो एड्रेस है वो, तो इसका राइट आंसर है बी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, साथ में रेफरेंस ऐड कर रहा हूँ, आप अपने चाहें तो आप देख सकते हैं पेज नंबर देख के, आप अपने तौर पे अपने हैंडआउट्स को देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये रेफरेंस दिए जा रहे हैं। थर्ड हमारे पास जो क्वेश्चन है, द डैश फंक्शन इनिशियलाइज द कॉम पोर्ट वूज नंबर इज पास्ड अ पैरामीटर यूजिंग बायोस सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास जो है बी राइट ऑप्शन है, जो कि इनिशियलाइज का फंक्शन है। ठीक है, इसका रेफरेंस मैंने ऐड कर दिया, आप पेज नंबर 125 पे देख सकते हैं जाके, द इनिशियलाइज फंक्शन इनिशियलाइज द कॉम पोर्ट वॉज नंबर पास्ड अ पैरामीटर यूजिंग बायोस सर्विसेज। ठीक है, मैंने इसका रेफरेंस ऐड कर दिया, तो ये आपको हेल्प आउट करते हैं इजीली के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं ये क्विज़ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, बिट नंबर डैश ऑफ EFLAG इज यूज फॉर अलाइनमेंट चेक। तो इसमें जो हमारे पास राइट आंसर है वो है D18। ठीक है, इसका रेफरेंस मैंने ऐड नहीं किया, मैंने गूगल से सर्च कर लिया था तो मैंने स्क्रीनशॉट कैप्चर करना भूल गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो 18 है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, द इनपुट करेक्टर स्कैन कोड इज रिसीव्ड एट पोर्ट 60 हर्ट्स। ठीक है, 60 हर्ट्स पे वो प्रोसेसर कोड के जो पोर्ट होती है उसके 60 हर्ट्स होते हैं। इसका मैंने जो ऐड किया रेफरेंस वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 44 पे, आप देख सकते हैं, द इनपुट करेक्टर स्कैन कोड इज रिसीव्ड एट द पोर्ट 60 हर्ट्स। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अब नंबर 8 इज इन्वोक्ड बाय डैश। तो इसमें जो जिसने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं उसने लगाया बायोस, लेकिन राइट आंसर है हार्डवेयर। ये वजह होती है कि मैंने जो राइट आंसर्स फाइंड किया आप लोगों के लिए उसका रेफरेंस मैंने ऐड किया, आप जाके खुद भी ये स्टडी कर सकते हैं। अब उसने गलत लगाया था, कोई भी अगर आपको फेसबुक पे स्क्रीनशॉट्स देता है तो आप इसी से तैयारी करके गलत आंसर्स याद कर लेंगे और आपका नुकसान होगा। अब इसका जो राइट आंसर है वो है हार्डवेयर, पेज नंबर रेफरेंस मैंने ऐड कर दिया, 28 पे आप जाके पढ़ सकते हैं, इट इज़ इन्वोक्ड बाय मीन ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर है ये, मतलब हार्डवेयर के जरिए ये किया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास है यहाँ पे सी, ये जो बायोस लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द बिट 14, 12 ऑफ EFLAGS आर क्लियर्ड देन द प्रोसेस इज ओनली 286। इसका जो 1 है वो राइट आंसर है हमारे पास। ठीक है, इसका भी रेफरेंस ऐड कर दिया, 165 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, इफ़ द बिट 14, 12 आर क्लियर्ड द प्रोसेस इज ओनली 286 ओनली। ठीक है, ये इसका आपको राइट आंसर मैंने बता दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सिस्टम प्रोग्रामिंग इज द स्टडी ऑफ टेक्निक्स डैट फेसिलिटेट द ऑफ डैश फ्रॉम इनपुट सर्विसेज।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन है डेटा। इसका मैंने जो ऐड कर दिया रेफरेंस, आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 पे आपको ये मिल जाएगा डेटा, सिस्टम प्रोग्रामिंग इज द स्टडी टेक्निक्स, इसमें जो है डेटा राइट आंसर है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, IRQ1 इज यूज बाय द डैश इंटरफेस, कीबोर्ड इंटरफेस, ठीक है, कीबोर्ड इंटरफेस, इसका मैंने रेफरेंस ऐड कर दिया पेज नंबर 177 पे, आप ये देख सकते हैं IRQ1 द कीबोर्ड इंटरफेस डिस्कस्ड अर्लियर यूज द IRQ1। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द टेल वैल्यू ऑफ द कीबोर्ड इंडिकेट्स द डैश ऑफ द बफर, स्टार्ट बफर, इसका रेफरेंस भी मैंने ऐड कर दिया है। तो स्टार्ट ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, स्टार्ट इसका मैंने जो ऐड किया है वो 50 पेज नंबर 57 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड बफर इज डैश बाइट इन साइज, इसका 32 राइट आंसर है, इसका भी आपको रेफरेंस मिल जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, रेफरेंस मिल जाएगा पेज नंबर 54 पे, आपको ये टेबल कीबोर्ड बफर का जो टेबल मिलेगा उसके अंदर देख सकते हैं, हैज़ 32 बाइट ऑफ मेमोरी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द कैपेसिटी ऑफ कीबोर्ड बफर इज 16 करेक्टर, ये गूगल किया था, कुछ क्वेश्चंस आगे के नेक्स्ट के मैंने गूगल किए और उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने ऐड नहीं किए, तो 16 करेक्टर इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, इन स्टैंडर्ड पीसी डैश डिमैस डिमैस कैन बी कैस्केडिड, जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट 2। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज यूज टू सेट डेट, तो जो कौन सा फॉर्मेट है जो डेट के लिए यूज होता है, 1A/05Hz, ठीक है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन अ टाइमिंग सिग्नल इज नॉट रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई, तो इसमें जो हमारे पास है स्टार्ट ऑफ बिट भी आ जाता है और एंड ऑफ बिट भी आ जाता है, तो जो राइट आंसर है बोथ स्टार्ट एंड एंड ऑफ द बिट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, इज डैश इज LED कंट्रोल्ड बाय 0xED इज द कंट्रोल बाइट, एलईडी कंट्रोल बाइट, क्वेश्चन नंबर जो आंसर नंबर 1 MCQ1 है वो हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 17 पे, स्टैंडर्ड पीसी ऑपरेट्स इन टू मॉडर्न इन टर्म्स ऑफ मेमोरी विच आर डैश, तो इसका जो राइट आंसर है रियल मोड एंड प्रोटेक्टेड मोड, इन दोनों के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेट्स जो मोड टर्म है मेमोरी होते हैं, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देर आर टू मेन टाइप ऑफ इंटरप्ट्स नाउन एज, ठीक है, जो राइट आंसर है सी हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, दो तरह के होते हैं, तो वो हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर वाले इंटरप्ट्स होते हैं। गाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे इसी तरह का कंटेंट लेके आते रहते हैं और आपकी हेल्प आउट करते रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस कैन नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बसेस, सो द जनरली रिक्वायर्ड अ डैश टू बी प्लेस्ड बिटवीन द CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो कंट्रोलर यूज किए जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन जो MCQ1 है वो इसका राइट आंसर है। डैश इज यूज टू रीड द टाइम फ्रॉम RTC, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है 1A/202Hz, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्लॉक स्टेटस रजिस्टर डैश इज मेन कंट्रोल रजिस्टर, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, आप बेफिक्र होकर ये इनको याद कर सकते हैं, ये तसल्ली से मैंने चेक किए हैं, अगर आप चेक करना चाहें तो ये इसको कर सकते हैं, कुछ के मैंने आपको रेफरेंसेज ऐड कर दिए हैं, ये कुछ को टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने रेफरेंस ऐड नहीं किए, जल्दी से मैंने वीडियो बना दी, टाइम शॉर्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनानी होती हैं, तो इसलिए रेफरेंस मैंने नहीं किए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट की वीडियो में हर एक पे रेफरेंस ऐड करता जाऊँ। बिट नंबर डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिट नंबर डैश ऑफ पोर्ट 64Hz स्टेटस रजिस्टर यूज फॉर इनपुट बफर फुल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन 1। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, डैश रिटर्न द एग्जीक्यूशन टू द पार्टनर शेल प्रोग्राम, तो इसके इसका जो राइट ऑप्शन है बी एग्जिट फंक्शन, ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश मीन टाइपमेटिक रेट विल बी सेंड इन नेक्स्ट बाइट, ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी 0xF3 इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 25 है, द फॉलोइंग कमांड आउटपुट, ये कमांड जो लिखी हुई है ये किसके लिए यूज़ की जाती है, टर्न ऑन द स्पीकर, स्पीकर्स को ऑन करने के लिए, कमांड आप अच्छे से देख ले, इनपुट बी 0x61 जो है ये स्पीकर्स को ऑन करने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द बायोस इंटरप्ट डैश कैन बी यूज टू कन्फिगर रियल टाइम क्लॉक, इसका जो राइट ऑप्शन है बी 0x1A
एच, ठीक है। ये आप अच्छे से देख लें, याद कर लें, इनको बार बार आप देखें इस वीडियो को और याद कर लें, ये यही रेपिटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27 है, इंटरप्ट डैश इज यूज फॉर कीबोर्ड इनपुट ऑपरेशन, जो इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है D9, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, PPI स्टैंड फॉर पेरिफेरल प्रोग्राम इंटरफेस, प्रोग्रामेबल इंटरफेस, बी इज द राइट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे, द डैश फंक्शन सिंपली एनेबल्स द सेल्फ टेस्ट फैसिलिटी विद इन द मोड कंट्रोल रजिस्टर। तो इसमें जो सेल्फ टेस्ट ऑन का जो है फंक्शन वो एनेबल करता है, हमें इस चीज़ के लिए फैसिलिटी देता है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिस्क इंटरप्ट, तो 13 हर्ट्ज इज अ डिस्क इंटरप्ट। गाइज, अगर आपने कोई आपको मतलब प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये इस अच्छे से याद कर लें, इसको बार बार देख लें, और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है स्टडी से रिलेटेड। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, डिस्कस करें हमसे, हम उसका पॉसिबल जितना भी अच्छा हुआ सोल्यूशन लगाने की कोशिश करेंगे, आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।